लाल रंग की चुनरी, 9 दिनों तक मंदिरों में रखा कलश, और ना जाने कितना कुछ होता है इन 9 दिनों में जो हर एक दिन को सबसे ज्यादा हटकर और खास बना देता है। आपको मालूम है कि चाहे बात पश्चिम बंगाल की करें, वहाँ की दुर्गा पूजा की बात करें, या फिर गुजरात की बात करें जहाँ पर गरबा रातें होती हैं, या फिर साउथ की बात करें जहाँ पर गोलू पड़ी होती है, मतलब हर एक दिन बेहद खास और सबसे हट करके, क्योंकि हर एक इंसान को इन रातों का इंतजार जो होता है। हालांकि आपको भी मालूम है और हमको भी मालूम है कि त्यौहार एक होता है, लेकिन उसको मनाने का और उसको देखने का नज़रिया अलग अलग होता है, क्योंकि हमारा देश ही विविधता में एकता वाला देश है, जहाँ पर हर इंसान अपनी चीज़ों को अपने ढंग से मनाता है। तो चलिए हम आपको उन्हीं नवरात्रों की रातों से मिलाते हैं, देश में किस तरह लोग उसे नवरात्रों को सेलिब्रेट करते हैं। नवदुर्गा, नवरात्रि और दुर्गा पूजा, नाम चाहे जो भी हो, मगर भारत के हर हिस्से में इसे एक आस्था के साथ मनाया जाता है। कहीं पूजा अर्चना तो कहीं नाच गाकर किया जाता है माँ का स्वागत। कोलकाता में नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के महिषासुर मर्दिनी स्वरूप को पूजा जाता है। पांडालों में महिषासुर का वध करते हुए बनाई जाती है दुर्गा की प्रतिमा। दुर्गा पूजा की सबसे पुरानी परंपरा है चोखू दान। अष्टमी के दिन सुबह दुर्गा माँ को अर्पित किए जाते हैं फूल। माँ की शक्ति बढ़ाने के लिए किया जाता है धुनुची नृत्य। 9 दिनों तक हर शाम होती है संध्या आरती। पूजा के आखिरी दिन सिंदूर से खेलती हैं महिलाएं। दशमी के दिन किया जाता है माँ दुर्गा का विसर्जन। गुजरात में नवरात्रि डांडिया गरबा के रूप में मनाया जाता है। माँ की आरती से पहले भक्त करते हैं गरबा नाच, तो वहीं आरती के बाद खेला जाता है डांडिया। डांडिया रास के जरिए किया जाता है देवी और असुर महिषासुर के बीच की लड़ाई का मंचन। 9 दिनों तक पूरे गुजरात में चलता है गरबा और डांडिया रास। दक्षिण भारत के कई हिस्सों में गोलूपड़ी के तौर पर मनाए जाते हैं नवरात्रि। लोग घरों में तैयार करते हैं 9 सीढ़ियों का मंच। गोलू यानी मूर्तियां, पड़ी यानी कि चढ़ाओ, पीढ़ी दर पीढ़ी संभाले जाते हैं गोलू। 9 दिनों तक हर सुबह की जाती है गोलू की पूजा। एक दूसरे के घर जाकर महिलाएं करती हैं हल्दी कुंकू। 9 दिनों तक होती है हर घर में दुर्गा की पूजा। लोग रखते हैं माता के नाम पर उपवास। घर घर होते हैं जागरण और कीर्तन। कन्याओं को खाना खिलाकर और पूजा कर खोला जाता है व्रत। नवमी के दिन होता है पूजा का समापन। खैर, त्योहारों का दौर शुरू हो गया है, जिसमें दीपावली से लेकर भैया दूज, फिर छठ पूजा, उसके अलावा नवमी, मतलब हर एक चीज विविधता में एकता ही कहा जाएगा ना, क्योंकि हम लोग अपने त्योहारों को अलग तरीकों से मनाते हैं और हमारा यही ढंग हमें सबसे हटकर और सबसे अलग पहचान देता है। तो कैसी लगी आपको ये पूरी वीडियो, हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही हमारी वीडियो को शेयर करना भी ना भूलें। नमस्कार।